आदरणीय गुरु जी प्रणाम, मैं रजनी। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आजकल जैसे मतलब राजस्थान में हर पौधा तो नहीं होता है, पर कुछ हम सोचते हैं कि कुछ पौधे घर में लगाने के लिए, तो कौन से पौधे हमें घर में लगाने लायक हैं, कौन से नहीं लगाने चाहिए? जैसे नींबू है, क्या घर में लगाया जा सकता है? और कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको घर में लगाएं वास्तु के अनुसार तो सही शुभ परिणाम दें और उनका कोई दुष्प्रभाव ना हो? कुछ इस तरह के पौधे होते हैं तो कौन सा मतलब अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, इस तरह से ये थोड़ी जानकारी मिल पाए तो आपकी कृपा होगी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए प्रिय रजनी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम अपने घरों में लगा सकते हैं, जो बहुत शुभत्व को लिए हुए होते हैं। अभी देखिए, पूरी मेडिकल साइंस ने ये कोरोना कोविड के काल में सिद्ध कर दिया है कि हम ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो पीपल है। वो 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। पीपल के बाद फिर नीम है, फिर ऐसा बड़ है, ये त्रिवेणी भी बोलते हैं इसको, नीम, बड़ यानी बेनियन ट्री और पीपल। ये तीन वृक्ष अगर हम अपने घर में लगाते हैं या आसपास लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को विचार रहता है कि पीपल को घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में तब नहीं लगाना चाहिए जब आपके घर में बाकी घर का अहाता ऐसा हो, जब बाहर के लोग भी आकर के किसी प्रकार का पूजा पाठ उतारा या किसी प्रकार की प्रार्थनाएं या शनिवार को दिया प्रज्वलन वगैरह करते हो। अगर ऐसा खुला एरिया है तो मत लगाइए, लेकिन अगर आपका कवर्ड एरिया है तो पीपल जरूर लगाएं। कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बल्कि बृहस्पति की पोजिशंस और अच्छी होती हैं। जो प्लेनेट है गुरु वो और स्ट्रांग होता है, बच्चों की विद्या अच्छी होती है और बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इसके साथ साथ पांच प्रकार की मुख्यतः और वैसे सात प्रकार की तुलसियां हैं। उनमें जो तुलसी आपके यहाँ चलती है उसको आप लगा लीजिए। रामा लगा लीजिए, श्यामा लगा लीजिए, दोना लगा लीजिए, विष्णु तुलसी लगा लीजिए, बद्री तुलसी लगा लीजिए, देव तुलसी लगा लीजिए, कपूर तुलसी लगा लीजिए, जो भी तुलसी आपके यहाँ ठीक चलती हैं अपने वातावरण को देख करके। क्योंकि रामा और श्यामा बहुत ठंड में तो चलेंगी नहीं, बद्री तुलसी सब ठंड में सब जगह चलती है, तो वो आप जो भी तुलसी लगा सकते हैं तुलसी लगा लीजिए। कपूर का पेड़ लगा लीजिए अपने घर में, बहुत अच्छा है और वायु के लिए तो उसका कोई, ऑक्सीजन के लिए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, तो कपूर का पेड़ मिलता है। रुद्राक्ष का पेड़ लगा लीजिए अपने घर में, ऐसा आप रुद्राक्ष का पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सारे फलों के पेड़ भी आप लगा सकते हैं, अनार का पेड़ लगा सकते हैं, अंजीर का पेड़ लगा सकते हैं, आम का पेड़ लगा सकते हैं। आपके पास कितनी जगह है इस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर गमले भी हैं तो छोटे छोटे पौधे आप इस तरह के लगा सकते हैं। ब्रह्म कमल लगा लीजिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्लांट होता है, गर्मी में ठंड में सब जगह चलता है, उसको आप लगा सकते हैं। तो अभी हम आनंद वाटिका पर एक अंक बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे हमने आश्रम में जो पौधारोपण किया है उस तरह से। ये हर पौधा, सभी जो पेड़ पौधे हैं वो नक्षत्रों से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उन 27 नक्षत्र के साथ बहुत सारे पेड़ पौधों का बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए उनके संविधाओं का संबंध होता है जो हम अग्निहोत्र में प्रयोग करते हैं। तो जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, कितना आपके पास अहाता और कितनी जगह और किस तरह की व्यवस्था है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आप गर्मी की जगह पर रह सकते हैं तो ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो गर्मी में ठीक से चलते हैं। आप अगर के ठंडे प्रदेश में ठंडे स्थान पर रहते हैं तो ऐसे पेड़ पौधों को वरीयता दें जो पेड़ पौधे ठंडे स्थान पर अच्छे चलते हों। तो ये आप सब कर सकते हैं। कुछ अगर बुध की पोजीशंस ठीक हैं, मरकुरी की पोजीशंस देख लेनी चाहिए अपनी कुंडली में, तो आप लतादार पौधे भी लगा सकते हैं, अंगूर की बेल लगा सकते हैं और बहुत सारी बेलें हैं ऐसे जिनको आप लगा सकते हैं। तो ऐसे घृत कुमारी, घी कुमार जिसको बोलते हैं, एलोवेरा बहुत लाभदायक है, छोटे से गमले में हो जाता है। अजवाइन का प्लांट आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, उसके पत्ते तोड़ करके चाय में भी डालिए, उसके पकौड़ों में भी डालिए, बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें हम अपने घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं और ये बड़ी लाभदायक होती हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या बहुत अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, वहाँ आप कड़वी चीज़ों को लगाने से बचें, जैसे वहाँ करेला ना लगाएं, वहाँ नींबू ना लगाएं, वहाँ जो है मिर्ची ना लगाएं, ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा निषेध माना गया है, उससे हमें बचना चाहिए। वहाँ बेरी ना लगाएं, बेर ना लगाएं, कांटेदार कोई चीज़ ना लगाएं। लेकिन इस सब के साथ आप एक चीज़ लगा सकते हैं, आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। वो आरोग्य का भी हेतु है और उससे बहुत सारे ग्रहों की पोजीशंस ठीक होती हैं और बहुत सारी अला बला को भी टालता है। ये आप लगा सकते हैं। गूगल का पौधा लगा सकते हैं अपने घर में। ये सब जब बड़े होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम भी करेंगे। अभी एक काम आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं कि जब आप घर में फ्रूट्स सबके आते हैं, फल सबके घरों में आते हैं,
जो भी आप जैसे पंपकिन लाए हैं पंपकिन के बीजों को अलग कर लीजिए, खीरा खा रहे खीरों के बीजों को अलग कर लीजिए, तोरी लाए हैं तोरी के बीजों को अलग कर लीजिए, लौकी लाए हैं लौकी के बीजों को अलग कर लीजिए, सेब खा रहे हैं उसके बीजों को निकाल लीजिए, अंजीर खा रहे हैं उसके बीज, आड़ू, इन जितनी भी फल खुमैनी जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उनके बीजों को पृथक करते जाएँ। फेंकते तो आप हैं ही, फेंकें ना, और जब भी कभी घर से बाहर जाएं उनको जहाँ कहीं किनारे, सड़क के किनारे, किसी पार्क में, किसी मिट्टी के आसपास आप 100 बीज डालेंगे उनमें से 10 भी उगाए तो आपका परिश्रम अच्छा होगा और इस प्रकृति के वातावरण को आप एक अपना योगदान भी दे सकेंगे, ऐसा आप करें। एक पश्चिम में बहुत बड़ी एक बड़ी समाज सेविका हुई हैं, तो उन्होंने उनका उनके जीवन का यही एक उद्देश्य था। वो ट्रेन में बैठ करके यात्राएँ करती थी, मुट्ठी भर भर के बीज वो ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंकती जाती थी। तो उनके बराबर में एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा उनसे कि आप ये क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कुछ फूलों के बीज हैं ये मैं फेंक रही हूँ। तो पूछते हैं कि क्या आप यहीं आसपास कहीं रहती हैं, तो कहती नहीं मैं तो यहाँ कहीं आसपास नहीं रहती, मैं तो जब भी किसी यात्रा पर कहीं भी जाती हूँ दूर देश में किसी भी स्थान पर हमेशा अपने साथ कुछ बीज ले जाती हूँ और उन बीजों को खिड़की से दोनों दिशाओं में फेंकती चली जाती हूँ। तो वो लोग हंसते हैं, वो कहते हैं जब आप यहाँ कभी आएंगी नहीं, आप देखेंगी नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा बीज होगा। वो कहती इनमें से अगर आधे चौथाई 10% 5% 100 बीजों में से एक बीज भी कहीं उग गया और उस पर कोई फूल लगा और उस फूल को देख करके, उस फल को देख करके किसी के होठों पर मुस्कुराहट आई, किसी वन्य जीव ने, किसी चिड़िया ने उसमें से भोजन किया, किसी बंदर लंगूर किसी का वो भोजन का अंश बना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे खुशी मिलेगी। तो ये कितना बड़ा विचार उनका रहा। और बहुत सारे फिर वो रेलों के पटरियों के किनारे, अब आप भारत में जाइए ना, मैंने भारत भ्रमण जब किया तो मुझे देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि विदेश का जितना भी वर्ग यहाँ आता है भारत में घूमने वो ट्रेनों से यात्राएं अधिकतर करते हैं। और ट्रेन के साथ जो हमारे शहर बसे हैं, ट्रेनों के आसपास की जो पटरियाँ हैं, जब वो प्रकृति के बीच से गुजरती हैं, जंगलों के बीच से गुजरती हैं, तो साफ स्वच्छ और स्निग्ध हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य की बस्तियाँ पास आती हैं उनके वहाँ ढेरों गंदगियों के अंबार दिखते हैं दोनों तरफ। बड़े बड़े शहरों के आसपास आप खिड़की से बाहर जाकर देखिए, आपका मुँह निकालने का बाहर मन नहीं करेगा। वो पूरा सार्वजनिक शौचालय बनाया हुआ है लोगों ने, वो रेल की पटरियों के आसपास जितनी गंदगी मिलती है, तो भारत का वही दृश्य आने वाले पर्यटक को सबसे पहले देखने को मिलता है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। वो पर्यटक ने नहीं वो गंदगी फैलाई है, वो गंदगी हम लोगों ने फैलाई है। हमारी जो बस्तियाँ जो भी शहरों के, आप शुरू हो जाइए दिल्ली से और फरीदाबाद और मथुरा और फिर आगरा और बढ़ते जाइए पूरा और चले जाइए नीचे केरल तक, आपको पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति मिलेगी। जहाँ जंगल आ गए वहाँ तो प्रकृति ने अपना समन्वय किया हुआ है, वरना मनुष्य ने उसको गंदा किया हुआ है। तो उसके किनारे कहीं हम थोड़ा दूरी पर 10 फीट पर 20 फीट पर कुछ इस तरह के पेड़ पौधे लगा सकें, तो वो जब फुलवारी के उसके बीच से गुजरेगा। अब पश्चिम के देशों पर क्यों लट्टू हो जाते हैं हम, इतने ज़्यादा आकर्षण हमारे दिमाग में क्यों है पश्चिम के देशों का, उन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। हम यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ तक पैदल व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और इससे भी अधिक ऊँचाई पर स्विट्जरलैंड में ट्रेन चल रही है और 150 साल पहले से चल रही है। हम विकास की बात करते हैं पर हमने क्या सीखा है ये हमें समझना चाहिए। और उनकी पटरियों के आसपास उन्होंने कितना सुंदर उसका एक वो किया हुआ है, वो चीज़ वहाँ से सीखने समझने जैसी है। उन्होंने -20 में जो आइस, जो बर्फ़ की गुफाएं बना रखी हैं, पूरा मैं अभी मेरे मन में आ रहा है कि मैंने जितनी यात्राएं की हैं उन पर भी कुछ अंक बना करके आपके साथ शेयर करूं, और जहां की भी जो अच्छाई है उसको हम देखें समझें, अपने भारत को भी देखें और विदेशों को भी देखें क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमसे यहाँ से देख करके, सब कॉपी हमारे यहाँ से किया है, सब अजंता एलोरा में जो केविंग, जो हमारी कार्विंग देखी है, जो हमारे यहाँ गुफाएं देखी हैं, उन गुफाओं में जो उत्कीर्णित चित्र देखे हैं, उन चित्रों को देख करके उन्हें प्रेरणा मिली है और वो बर्फ़ की गुफाएं बना रहे हैं। वो बर्फ़ में पूरे चित्र बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किसी अंक में, वो पूरा मैंने उसकी फोटोग्राफी की थी जब मैं स्विट्जरलैंड और यूरोप में रहा। तो ये आप देख कर सकते हैं। हमने उसको बिल्कुल गंदगी का गड्ढा और जो भी घरों के कूड़ा कचरा निकाला और उसको जाकर रेल की पटरियाँ हैं जो आसपास में वो है सब ये हमने किया हुआ है। घर से गंदगी निकालते हैं, घर के बाहर ढेर लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने इतना अभियान चलाया लेकिन वो कितना चल रहा है, ये मन से निकालनी पड़ेगी असल में गंदगी हमें। तो ये हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। जो हम पैकेट बना बना करके फलों के छिलकों के सबके इधर उधर फेंकते हैं उनको अगर हम कर सकें कि बीजों को अलग निकाल लें, अभी तक तो देखिए गीला कचरा और सूखा कचरे की बात थी, इसमें एक कचरा मैं और आपके साथ बढ़वा रहा हूँ कि इसमें आप बीजों का कचरा अलग कर लें और आप देखेंगे कि बड़ा आपको आनंद आने लगेगा। कहीं भी पार्क में जाएँ कहीं जाएँ, ठीक है आपके काम नहीं आएगा वो बेल, आपके काम नहीं आएगा वो फल, लेकिन वो फल किसी पक्षी के तो काम आ जाएगा, किसी वन्य जीव के तो काम आ जाएगा, उसका जीवन का तो पालन पोषण उससे हो ही सकता है। इतना बड़ा उपकार आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को दे देते हैं और आपका एक योगदान हो जाता है प्रकृति के संतुलन में और समन्वय में, और वो बहुत सारे पशु पक्षियों का खुराक बनता है, उनके जीवन के लिए अच्छा होता है। और ये आप कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने मॉड्यूल को बदलना है, अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है, खुली जगह है, तो उसमें आप बेलपत्र लगा सकते हैं,
जो बेल का बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, इसका शरबत भी इस्तेमाल करते हैं, फल भी यूज़ करते हैं, उसका शिव के अभिषेकम में बेल पत्थर का इस्तेमाल होता है, तो वो और बेल पत्थर जो फल है उसका भी इस्तेमाल होता है। वो आप अपने आसपास में अगर आपके पास बड़ी जगह है वहाँ लगा सकते हैं, अमरूद के पेड़ लगा सकते हैं आप, जो भी मीठे फलों के उनकी संविधाएँ भी फिर आपके अग्निहोत्र में काम आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जितना कर सके अच्छा है, नहीं कर सके तो जो संग्रहण कर लीजिए, बीजों को सुखा कर रख लीजिए, कभी कहीं गांव में जाएं, कोई गांव का आदमी आ जाए उसको दे दीजिए, कभी तो आप कहीं ना कहीं जाते ही हैं, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, जा लगे कोई पार्क है, खुली जगह है, कोई कच्ची मिट्टी पड़ी है, कुछ वहाँ डाल दीजिए, तो आपके परिश्रम से क्या पता 10 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन जब आप वापस लौटते हुए देखेंगे और उनमें से एक भी पौधा अंकुरित हो गया, उस बीज से, एक बीज में हजारों वटवृक्ष छिपे होते हैं, हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, उसमें से एक भी पौधा पल्लवित हो गया, एक भी पुष्पित हो गया, एक पर भी फल फूल आ गया, जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत शांति प्रतीत होगी, और ये शांति कहीं से दुनिया में और किसी कृत्य से आप ना कोई परचेज कर सकते हैं, ना खरीद कर ला सकते हैं, ना इसको निर्मित कर सकते हैं। आपका जीवन हरा भरा हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, फलों से फूलों से भर जाए, आपका जीवन खूब फले फूले, खूब अच्छे से रहे, हमारी ऐसी कामना। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु, आर्यं शरणं शुभमस्तु।